Hello friends, welcome to my channel. I am Jaydeep Garala. आज हम बात करेंगे गो लैंग्वेज के बारे में, गो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बताइए. आज के इस वीडियो का गोलैंग का एजेंडा है गोलैंग इंट्रोडक्शन, गोलैंग डेवलपर सैलरी, करंट मार्केट ट्रेंड और फीचर्स ऑफ गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गो लैंग्वेज इंट्रोडक्शन. गोलैंग एक ओपन सोर्स फ्री प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है. गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गूगल में काम करने वाले 3 एम्प्लॉय ने बनाई है, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर्स है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्लेसमर, रॉब पाइक और केन थॉम्पसन. गो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग गूगल ने बनाई है, इसीलिए इसे शॉर्ट में गोलैंग बोलते हैं. पहले तो गूगल के सारे एम्प्लॉय प्रोग्रामिंग के लिए सी या तो सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते थे, लेकिन उसके चलते उसके सारे क्लाउड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्लो चलते थे. इसीलिए ये तीनों इंजीनियर्स ने मिलकर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम गोलैंग दिया गया. सी या सी प्लस प्लस में जब प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें कई तरह के इश्यू आते थे, जैसे कि लेस प्रोडक्टिविटी, मेमोरी मैनेजमेंट इश्यू, सिक्योरिटी इश्यू और स्लो कंपाइलेशन. जब गूगल की प्रोडक्ट सी या सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती थी तो उस लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेशन होती थी. इन सभी इश्यू को शॉर्ट आउट करने के लिए गूगल ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम गोलैंग रखा गया. जैसे अभी के सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे कुबरनेटिव है, डॉकर है, उस सारे एप्लीकेशन का कोडिंग गो लैंग्वेज में किया गया है. अब बात करते हैं गोलैंग डेवलपर की इनकम के बारे में, जो कि उसकी एनुअल सैलरी $68,000 से लेके $1,80,000 तक है. अब गोलैंग के मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं. आप चार्ट में देख सकते हैं कि अभी हाल ही में हुआ सर्वे है उसमें 67% तक गोलैंग यूज किया जाता है, तो आप गोलैंग का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. और दूसरे चार्ट में कई पॉपुलर कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उसमें जो उसका क्लाउड फंक्शन है जैसे आजूर फंक्शन, गूगल क्लाउड फंक्शन, ये सारे फंक्शन में गोलैंग का यूज होता है. अब गोलैंग के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. फीचर्स ऑफ गोलैंग: सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी. गोलैंग की कोडिंग फाइल आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं. गोलैंग प्रोग्राम लेस वर्बस है, इसीलिए गोलैंग में आप इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं. गो लैंग्वेज एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है. गोलैंग में प्रोग्राम एजुकेट करने से पहले कंपाइल करना है, उसके बाद ही उसका एजुकेट फाइल जनरेट होगा. इनफैक्ट इन रियलिटी कंपाइल्ड लैंग्वेज की स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे पाइथन, पीएचपी, ये सारी लैंग्वेज वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में स्पीड से एजुकेट होने पर समय की बचत होती है. फास्टर कंपाइलेशन. दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से गोलैंग फास्ट कंपाइल करती है, क्योंकि गोलैंग की इम्प्लिसिटी डिपेंडेंसी और एनालिसिस डिजाइन के चलते ये संभव है. गोलैंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टैटिकली टाइप्ड है. जैसे सी शार्प जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइन वेरिएबल लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप, कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म टाइप कन्वर्जन, जिसको हम इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन कहते हैं. गोलैंग में इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो कंपाइलेशन एरर आएगा. गोलैंग में सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही उसका यूज होता है. गोलैंग एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है. मल्टीपर्पज लैंग्वेज यानी सिस्टम लेवल एप्लीकेशन और वेब लेवल एप्लीकेशन, आप दोनों तरह की एप्लीकेशन गोलैंग से बना सकते हो. फंक्शनल बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक लैंग्वेज. गोलैंग वैसे तो सी शार्प जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी लगती है, लेकिन वैसा नहीं है. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा कोड फंक्शन में लिख सकते हैं जैसे सी शार्प में लिखते हैं. गोलैंग इंटरफेस में हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके ओओपी अचीव कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इंटरफेस, पैकेजेस, मेथड, ये सारे फंक्शन सी शार्प जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं. गोलैंग में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है पॉइंटर, पासिंग डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, यानी फंक्शन में से दूसरी जगह डेटा पास करने के लिए गो लैंग्वेज में पॉइंटर का यूज होता है. ऑटो गार्बेज कलेक्टर.
जब आप पॉइंटर का यूज करके डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसकी जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उस पॉइंटर का यूज होने के बाद मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है, उसे ऑटो गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। अगले वीडियो में विंडोज 10 में गोलैंग का एनवायरनमेंट सेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।